सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको हेयर किस तरीके से ड्रॉ करना है। किसी भी पोर्ट्रेट में हेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे बाकी फैक्टर भी होते हैं लेकिन हेयर भी ज़रूरी होता है, उससे आपकी ड्राइंग रियलिस्टिक लगती है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा। तो सबसे पहले ग्रेफाइट के 2B पेंसिल से या चारकोल पेंसिल के मीडियम वाले से आपको फर्स्ट लेयर तैयार कर लेनी है। बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आपको फर्स्ट लेयर तैयार कर लेनी है। आपकी रेफरेंस फ़ोटो में जैसे बालों के स्ट्रोक जा रहे हैं उस तरीके से ही आपको देना। तो पहले बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ फर्स्ट लेयर तैयार कर लेते हैं, जिस तरफ बालों के स्ट्रोक है उसी तरफ देते हुए रेफरेंस फ़ोटो को ध्यान में रखते हुए। तो पहले फर्स्ट लेयर तैयार करते हैं। आपको बहुत ही आराम आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, पूरा टाइम देते हुए करना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आराम से कीजिए, पेशेंस के साथ, और फ़ोटो को ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए। मैं भी हेयर्स ऐसे बना रहा हूँ जहाँ जहाँ बालों के स्ट्रोक रेफरेंस फोटो में वैसे ही देने की कोशिश कर रहा हूँ। उतना रियलिस्टिक तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रियल फ़ोटो है, रियल फ़ोटो को देखते हुए मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से भी बालों के स्ट्रोक दे सकते हैं। अगर आपको रेफरेंस फ़ोटो में समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। वैसे रेफरेंस फ़ोटो को भी ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट लेयर तैयार हो चुकी है। अब आपको किसी भी ब्रश से इसको ब्लेंड कर देना है। ध्यान रहे पेपर स्टम्प से ना करें, पेपर स्टम्प से भी हो जाएगा लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, वो फिर एक रियलिज्म नहीं आ पाएगा। तो आपको ब्रश से ही इसको ब्लेंड करना है। तो इसी के साथ फर्स्ट लेयर ख़त्म हुआ। अब हम सेकेंड लेयर बनाएंगे। सेकेंड लेयर उससे थोड़ी डार्क होगी। रेफरेंस फ़ोटो में ये देखते हुए कहाँ पे डार्क एरिया है, कहाँ पे लाइट एरिया है, वहाँ पे आपको दोबारा से थोड़ा सा प्रेशर का अप्लाई करके डार्क करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और बाद में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कहीं कहीं पर जगह क्यों छोड़ी है। फ़िलहाल आपको सेकेंड लेयर बनानी है, थोड़ी सी डार्क प्रेशर का अप्लाई करके रेफरेंस फ़ोटो में जहाँ पर डार्क है वहाँ पर देखते हुए। आप जब बालों के स्ट्रोक दे रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि रेफरेंस फ़ोटो में बाल किस डायरेक्शन में जा रही है और कहाँ पे डार्क एरिया है, कहाँ पे लाइट एरिया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब पूरा होने के बाद दोबारा से सेकेंड लेयर को आप ब्रश से ब्लेंड कर दीजिए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो ब्लेंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पे आते हैं थर्ड लेयर, हमको सबसे ज़्यादा डार्क बनानी है। तो आप अगर चारकोल पेंसिल से बना रहे हैं तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कीजिए, अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल से बना रहे हैं तो 8B या 10B पेंसिल का यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको जितने भी डार्क एरिया उसमें आपको सॉफ्ट चारकोल पेंसिल चला देनी है। अगर आप चारकोल पेंसिल से बना रहे हैं तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जितने डार्क एरिया उसमें चला देनी है। फ़ोटो को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे डार्क होगा, तभी मैं डार्क कर रहा हूँ। अब ये होने के बाद इसको भी ब्रश से ब्लेंड कर देते हैं। आएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब हमें बालों में हाइलाइट्स देने हैं। हम में से काफ़ियों के पास टोमो मोनो जीरो इरेजर नहीं होगा तो आप नॉर्मल इरेजर से कर सकते हैं। आगे से उसे हल्का सा शार्प कर दीजिए, उसके बाद बालों में स्ट्रोक दीजिए। इसलिए मैंने कहीं कहीं पे जगह छोड़ रखी है ताकि वहाँ पे इरेज अच्छे से हो सके।
क्योंकि नॉर्मल रबड़ से आप चारकोल पेंसिल इतने अच्छे से इरेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही वो जगह छोड़ दी थी ताकि आसानी से इरेज हो जाए। तो आप भी ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल रबड़ से भी हाईलाइट्स दे सकते हैं बालों में, जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप नॉर्मल इरेजर से करें तो आपको बहुत पेशेंस से करना होगा, क्योंकि नॉर्मल इरेजर से चारकोल पेंसिल इरेज करना एक तो पहले से मुश्किल है, तो आपको आराम से करना है बिना कोई जल्दबाजी के। आ रही है फाइनल टचअप की। अगर आप चारकोल पेंसिल से बना रहे हो तो हार्ड चारकोल पेंसिल का, अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल से बना रहे हो तो 2B या HB पेंसिल का यूज़ करके जितने भी छोटे छोटे बाल हैं उनको बनाइए, यानी कि एक फ़ाइनल टचअप दे दीजिए अपने बालों को। तो जैसे कि मैं दे रहा हूँ एक फ़ाइनल टचअप दे रहा हूँ आखिरी में, तो आप भी ऐसा दे सकते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। फ़ोटो में भी है ये छोटे छोटे बाल निकल रखे हैं, इसलिए मैं भी बना रहा हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रेफरेंस फ़ोटो को पूरा ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है जितना हो सके। फाइनली हमारा हेयर तैयार हो चुका है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमें बीयर्ड किस तरीके से ड्रॉ करनी है, यानी कि दाढ़ी हमें किस तरीके से बनानी है, तो उसमें भी यही टेक्निक है लेकिन कुछ बातें बदल जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।